आरवीएनएल पर, और आरवीएनएल पे इनका सवाल है 1680 के स्टॉक्स हैं इनके, 133 के लेवल पर आरवीएनएल का स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो भी स्टॉक्स हैं जिस तरह के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी, वो सभी बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित जी आपके पास ही आएंगे, बताएं क्या होगी राय आरवीएनएल पे। मुझे सिर्फ इनका एक बार एंट्री प्राइस रिपीट कर देंगे प्लीज। 33 का एंट्री प्राइस है इनका, फिलहाल नुकसान में देखिए। जी बिल्कुल, 133 अगर देखा जाए तो दोनों बार स्टॉक ऊपर गया है 140 की, और वहीं से ही स्टॉक को रिजेक्शन मिला है। और अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे रेलवे रिलेटेड स्टॉक से तो ये एक अंडर परफॉर्म बोल सकते हैं कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बेयरिश नजरिया रहेगा कि यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। अगर स्टॉक कभी भी 115 के नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो एग्जिट की सलाह रहेगी यहाँ पे। और अपसाइड मूवमेंट अभी भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, बल्कि एक सलाह ये रहेगी कि अगर स्टॉक आपके एंट्री प्राइस के नियर बाय आ रहा है तो यहाँ पे आप निकलने का ही नजरिया रखें।